कुमारी नगर मेयर की है, तो मेयर साहिबा ने उसको उस सोलर लाइट को हटा करके वहाँ टॉर्च लाइट लगा दिया है, जिसका लाइट बहुत ही कम है। आप अगर शाम में रात में निकलिए तो दिखाई देगा कि बहुत ही कम लाइट दे रहा है रोड पे, और चोर उचक्कों का जो है बल्ले बल्ले। कई चैनलों पे आपने मेयर पे घोटाले का आरोप लगाया है। सबसे बड़ी बात घोटाला कहाँ है कि कोई भी टेंडर अगर होता है तो पूरे सेट का होता है। अगर छोटा ही स्ट्रीट लाइट लगाना है तो उसका सेट का टेंडर होता है, टेंडर हुआ भी है। लेकिन यहाँ आप पोल पे देखिएगा, आप मेरे पास भी फोटो वगैरह है, आपको हम शेयर कर देंगे। उस फोटो में देखिए तो केवल मुंडी, जो स्ट्रीट लाइट का मुंडी है, केवल बदल दिया जा रहा है। बाकी उसका जो एक्सेसरीज है, जैसे पाइप है, उसका वायरिंग है, उसका स्विच है, उसका क्लैंपू है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर आप स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो हमारे मेयर साहिबा से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रीट लाइट मेयर के अंदर की काम नहीं है, वो नगर आयुक्त प्रशासनिक काम है। इसलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठक की नजर से। शहर के तमाम खबरों के साथ हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। हाल फिलहाल अगर बात करें नगर निगम के दशा की, तो ये आजकल काफी ही बरसात के पहले ही लोगों को काफी डर सता रहा है कि बरसात आने के बाद नगर निगम की दशा क्या होगी। फिलहाल हम बात करते हैं, यहाँ हमारे साथ हैं समाज सेवी अमरिंदर सिंह, जो कि समाज में काफी अपना इनका योगदान भी रहता है और समय समय पर ये लोगों का साथ भी देते रहते हैं। अभी जो हाल फिलहाल नगर निगम का चुनाव हुआ था, जैसा कि लोगों का मानना है, बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने नए मेयर का चुनाव किया था, ये सोचकर कि सोना हाथ लगेगा। लेकिन लोगों का ये मानना है कि उन्हें गिल्लक यानी पीतल हाथ लगा है, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। हम बात करते हैं अमरिंदर सिंह से, क्या मानना है आखिर इनका। जी नमस्कार पाठक के नजर के दर्शकों को, अभी आपने बताया कि लोगों का जो अपेक्षाएं थी कि हम मेयर के चुनाव में सोना का चुनाव कर रहे हैं, जो सोना कीमती होता है, और उसी तरह हमारे मेयर भी कीमती रहेंगी और उसी कीमत के अनुसार लोगों की सेवा करेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप ही ने बताया कि पीतल और गिलट लोगों को मिला। मानना है, हाँ बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि मेयर से जो अपेक्षाएं लोगों को है वो हो नहीं रहा है। मेयर काम नहीं कर पा रही है, और बहाना हो रहा है कि अभी हम अनट्रेंड है, हम काम सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये काम सीखेंगी तब तक या तो इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, या फिर जो चुनाव आयोग में जो मुकदमा चल रहा है इनके खिलाफ, तीन बच्चे वाला, उसका डिसीजन आ जाएगा। तो फिर उसके बाद ये सीख कर क्या करेंगे, क्योंकि जो अयोग्य जब पद से ही अयोग्य हो जाएंगी, पद से हटा दी जाएंगी, तो सीखने का कोई मतलब नहीं था। इनको चाहिए था कि पहले नगर निगम के बारे में बढ़िया से जान लेते, उसके बाद नगर निगम के चुनाव लड़ते, जो इन्होंने नहीं किया। अभी आपको हम बता दें कि स्ट्रीट लाइट के बारे में हमने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि छपड़ा में जो पुराने स्ट्रीट लाइट थे बड़े साइज के थे और अच्छे लाइट कर रहे थे, कुछ लाइटें खराब थी। तो ठीक है, बिहार सरकार का लाइट जो है उज्ज्वला योजना के तहत है, जो सोलर लाइट जो लगाना है, स्ट्रीट लगाना है, उस योजना के तरफ से आया हुआ है। लेकिन इसकी नगर निगम में लगाने की जिम्मेवारी नगर मेयर की है, तो मेयर साहिबा ने उसको उस सोलर लाइट को हटा करके वहाँ टॉर्च लाइट लगा दिया है, जिसका लाइट बहुत ही कम है। आप अगर शाम में रात में निकलिए तो दिखाई देगा कि बहुत ही कम लाइट दे रहा है रोड पे, और चोर उचक्कों का जो है बल्ले बल्ले है, क्योंकि लाइट तो लगाया ही जाता है चोर उचक्कों से बचने के लिए, कि जो लेडीज हैं, जो महिलाएँ हैं, या फिर जो भी जा रहे हैं रात में, उनके साथ कोई घटना न घटे। लाइट कई चैनलों पे आपने मेयर पे घोटाले का आरोप लगाया है, किस तरह का आरोप है ये घोटाला? वही तो बता रहे हैं कि बड़ा स्ट्रीट लाइट को हटा करके छोटा स्ट्रीट लाइट टॉर्च लाइट लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात घोटाला कहाँ है कि कोई भी टेंडर अगर होता है तो पूरे सेट का होता है। अगर छोटा ही स्ट्रीट लाइट लगाना है तो उसका सेट का टेंडर होता है, टेंडर हुआ भी है। लेकिन यहाँ आप पोल पे देखिएगा, आप मेरे पास भी फोटो वगैरह है, आपको हम शेयर कर देंगे। उस फोटो में देखिए तो केवल मुंडी, जो स्ट्रीट लाइट का मुंडी है, केवल बदल दिया जा रहा है। बाकी उसका जो एक्सेसरीज है, जैसे पाइप है, उसका वायरिंग है, उसका स्विच है, उसका क्लैंपू है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो हमारे मेयर साहिबा से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रीट लाइट मेयर के अंदर की काम नहीं है, वो नगर आयुक्त प्रशासनिक काम है, इसलिए उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो हमको लगता है कि आप अभी बहुत अच्छा बात बताया हमको कि मेयर साहिबा कह रहे हैं कि उनके अंडर का नहीं है।
नगर आयुक्त का है, तो फिर वो नगर नगर जो ये नगर पालिका नगर निगम का जो ऑफिस है वहाँ क्यों जाती हैं? क्योंकि तो उनका एग्जीक्यूटिव अफसर है नगर आयुक्त, उनके अंडर में नगर आयुक्त है, जब उनको पावर ही नहीं मालूम है तो ठीक कह रहे हैं कि हमको सीखना है। मुझे भी अब लग रहा है कि वो अभी सीख ही रही हैं और सीखते सीखते ये 5 साल या जो भी समय है वो निकाल देंगी। उनके बस का बात नहीं है नगर निगम, जब उनको ये नहीं पता है कि नगर पालिका के अंदर अगर DM भी बैठते हैं तो DM उनके अंडर में है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। तो ऐसे मेयर को मेयर बने रहने लायक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बरसात आने वाला है, शहर की स्थिति बरसात में किस तरह हो जाती है आपसे छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल जो है अगर बारिश का दिन आने वाला है, बारिश आ जाता है, अगर जमकर बारिश हो जाती है तो छपरा का क्या स्थिति होगा, क्या अंदाज करते हैं, क्या उम्मीद है आपका? अभी तो पिछले दिनों आपको लगता है कि आधे घंटे के बारिश में छपरा की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ये लोग जब बारिश से मौसम आता है उस समय, इसके पहले जो मेयर है वो भी चाहे इन्हें भी सब लोग बाद में ही काम शुरू करता है, जब मौसम देखता है कि अब मौसम आ गया बारिश जल जमाव वाला, तब लोग नगर नाला की सफाई करता है। अभी तो नाले की सफाई इतना हो रहा है, इतना कटिंग उटिंग कर दिया गया लोग कि अगर अभी तुरंत बारिश मौसम शुरू हो जाए तो जितने भी नीचे जिनके घर दब गए हैं, जिनके घर रोड के लेवल में आ गए हैं, उनके घर में पानी ठेहुने तक लग जाएगा। इसके बाद सब लोग गाली देगा इन्हें और ये समय से काम नहीं करते हैं, इनके काम करने की दुर्दशा इनमें नहीं है। सीधे आप फेसबुक पे आकर के कुछ भी बोल देना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन काम बोलता है। अगर आप फेसबुक जो आके बोल रही हैं या कर रही हैं, फोटो डाल रही हैं, अपने घर के आसपास का सफाई करा के कह रही हैं कि हमने सफाई करा दिया, आपका घर के आसपास का इलाका है नगर निगम नहीं है, नगर निगम लंबा चौड़ा है, तो पूरे लंबा चौड़ा जो एरिया है सबकी सफाई होना चाहिए, न कि आपके घर का। तो केवल घर का फोटो डाल करके आप कहते हैं कि नहीं हमने बहुत काम कर लिया है, तो इससे नगर निगम चलने वाला नहीं है। और लोग सही में सोना के खोज के लिए उन्होंने वोट दिया था कि सुनार है, सुनार जाति से है, हो सकता है ये सोने जैसा हो, काम करने वाला हो, लेकिन ये उसके लायक नहीं है। ये राजनीति में राजनीतिक खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति इन्होंने किया चुनाव में, कैसे वोट सहानुभूति वोट करके ले लेना है, ये उन लोगों के पास क्षमता है। लेकिन जनता का मूड अब क्या है, चुनाव जब उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया, अब क्या कह रही है जनता? अब तो जनता आपको यही समझ में आता है कि अभी 5 महीना उनको बने हुए हो गया और 2 बार पुतला दहन उनका म्युनिसिपैलिटी चौक हो गया, इसके बाद जो सफाई कर्मी है 5 महीने में 5 बार स्ट्राइक कर दिए, हड़ताल कर दिए, उनसे संभल नहीं रहा है, तो जनता देख रही है। वो तो जनता या सोच रही है कि कैसे इनका ये अपदस्थ हो जाए, चुनाव आयोग जो नोटिस किया है कि उस केस में कि जल्दी दूसरा कोई मेयर आ जाए, इनसे इतना आकुत हो गया है, इतना लोग परेशान हो गया है कि कोई देखना नहीं चाहता है। अगर विकास की बात करें नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत तो अब तक क्या विकास हुआ है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है? देखिए नगर निगम के अंतर्गत अभी विकास कुछ भी नहीं दिख रहा है, विकास यही है कि कुछ गाड़ियां वाड़ियां खरीदी की जा रही है जिसमें मोटा रकम मिलता है, 25% कमीशन 25% मिले, 40% मिले, ये लोग बांटता है, तो उस तरह के काम ये लोग कर रहा है कि अभी मोटे रकम का बंदरबांट कर रहा है लोग। और अभी तुरंत हम सुने हैं कि अभी टेंडर भी होने जा रहा है नए सफाई कर्मी के एजेंट का कंपनी का, उसमें आप देखिए कि जो पहले 42 लाख रुपये 45 लाख रुपये का टेंडर था एक महीने का सफाई का, वो शायद 1 करोड़ 25 लाख का होने जा रहा है, तो एक बार में 3 गुना एक महीना के अंदर 3 गुना रेट में सफाई होगा। तो क्या हो पता नहीं, हो सकता है कि कहीं जो सफाई कर्मी रहे वो जीप से सफाई करे, इतना सफाई कर दे रोड को, झाड़ू से नहीं सफाई करेंगे वो, जीप से जो सफाई करेंगे तो पैसा ज़्यादा लेंगे इसलिए, या फिर बंदरबांट होगा पैसे का। जबकि देखा जाए कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा जगह जगह रोज भ्रमण किया जाता है, क्षेत्रों का दौरा किया जाता है, जगह जगह निर्देश भी दिया जाता है, क्या उस अनुरूप काम दिख रहा है कि नहीं? आप जो भी रात में उनका भ्रमण का फोटो देख रहे हैं कभी काल, जगह हमेशा नहीं हो रहा है, वहाँ देखिए कि सुबह होकर अगर वहाँ जाइए, हम जाते देखते हैं शाम में, ये वहाँ जाने के पहले प्लानिंग रहता है कि सफाई कर देना, रात में घूमना है, वहाँ सफाई कर्मी लगा करके सफाई कर दिया जाता थोड़ा सा एरिया, वो जाती हैं अपना दिखा देते हैं ये हुआ वो हुआ, उसके बाद सुबह आप देखिए फिर वैसी की वैसी हालत है।
रेगुलर कहीं नहीं, जगह चेकिंग करने के पहले उसे साफ सुथरा करा दिया जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्लान्ड है। जैसे चुनाव में इन्होंने प्लान्ड वे में चुनाव लड़ा और लोगों को भ्रम में डाल दिया, वैसे ही अभी भी ये लोग कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, दिखावा ज्यादा कर रहा है लोग, तो ये तो इनके लिए घाटे का सौदा है। जैसे कि लोगों का ये उम्मीद था नगर आयुक्त के आने से, यंग हैं, नए हैं, ईमानदार हैं, तो अच्छा काम करेंगे, क्या आपको क्या लगता है नगर आयुक्त के आने से विकास किस तरह का उम्मीद करते हैं आप, किस तरह होना चाहिए? ये नगर आयुक्त नए हैं, बिल्कुल है, एनर्जेटिक भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम की मालिक मेयर होती हैं, मेयर होते हैं। अगर मेयर जो जिस दिशा में काम करना चाहते हैं उसी काम को अमली जमा पहुँचाने का काम मेयर का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है, तो जैसा मेयर का आदेश होगा वैसा ही एग्जीक्यूटिव करते हैं। मेयर अगर आज बोल दे कि नहीं आज से सफाई बंद, तो एग्जीक्यूटिव सो जाएगा। मेयर बोल दे कि नहीं अब नाला सब तोड़वा दिया जाए, किसी के घर तोड़वा दिया जाए, तो एग्जीक्यूटिव लग जाएगा। वो तो हनुमान जी है, उसको तो काम कराना है। एग्जीक्यूटिव जो पर्सन होता है, एग्जीक्यूटिव जो आयुक्त जो है नगर आयुक्त, वो तो उनका एक तरह से कर्मचारी है, अधीनस्थ कर्मचारी है, जैसे जिला परिषद के अध्यक्ष का अधीनस्थ DDC होते हैं। लेकिन ये बात भी इनको जानकारी नहीं है कि बोल रही है, आप ही बोल रहे हैं कि मेरे अंदर में नहीं है, ये नगर आयुक्त के अंदर है। तब तो कल कहेंगे कि जो काम बांटता है अगर इसको नगर में काम करने वाले सफाई कर्मी मैनेजर, वो भी इनके अंडर में नहीं है, सफाई कर्मी इनके अंडर में नहीं है, तो फिर कहेंगे कि नगर निगम मेरा अंडर में नहीं है, तो रहने से क्या मतलब इनका? आप अपने माध्यम से, एक समाज सेवी होने के माध्यम से क्या मैसेज देंगे आप नगर निगम प्रशासन को? ये नगर निगम प्रशासन को मैं यही कहूंगा कि हो सकता है कि आने वाला समय बरसात का आने वाला, बिल्कुल, है, शहर की स्थिति नारकीय हो जाती है, बिल्कुल, ऐसे में क्या कहेंगे आप? हम नगर निगम प्रशासन को यही कहेंगे कि हमारी मेयर साहिबा जो है थोड़ी अनजान है, नहीं समझ में आता उनको कि कैसे काम कराया जाता है, कैसे होता है, लेकिन नगर आयुक्त जो है अपने स्तर से आगे आकर के और जितना नाला है उसको मैंने एकदम वार बेसिस पे उसको सफाई कराएं और जल्द से जल्द काम करा करके जो मेन नाला है उसका जरूर सफाई करा लें। साइड नाले बाद में होते रहेंगे और जल जमा होगी, जो समस्याएं जहाँ जहाँ है वो बहुत थोड़े थोड़े के लिए जमा हुआ है, थोड़ा थोड़ा कहीं जमा है, इसे रुका हुआ है, उसको भी देख लें। और जो सफाई कर्मी जो शाम में झाड़ू दे रहा है उसको शाम में न करा करके उसको या तो 11 बजे रात में कराएं या फिर सुबह 4 बजे करा ले। ऑफिस आवर में अक्सर देखा जाता है कि कूड़ा उठा होता है, बिल्कुल, और झाड़ू लगता है जिससे कि आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है और काफी धूल से तो और लोगों की ज्यादा। यही तो मैं बता रहा हूँ कि टाइमिंग बदल दें, क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट खुल गया 10 बजे, 10 बजे के बाद ट्रैक्टर घुस जाएगा कचरा उठाने के लिए, जाम भी लग जाता है, रोड जाम हो जाता है, शाम को 5 बजे झाड़ू लगने लगता है। अब जितने घर से ऑफिस से निकले लोग सब लोग रोड पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, मार्केट जाने का समय है, सब लोग मेकअप खराब हो जाता है, बहुत सारे लोग मेकअप करके निकलते हैं मार्केट में, अब इसीलिए कोई बाहर निकल नहीं रहा है डर के मारे। तो ये सब चीज पर ध्यान दे, नगर निगम अच्छा हो जाएगा। एक प्रेस वार्ता में नगर निगम के मेयर साहिबा ने कहा था कि छपरा में जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सेल्फी पॉइंट तो बन ही गया है, जाके देखिए, अभी DM आवास के बगल में बना हुआ था, अभी भी शायद है, और पंकज से हमारे सॉरी भगवान बाजार रोड में बना हुआ है, वो तो जल जमाव है, तो वही सेल्फी पॉइंट है, उनके लिए सेल्फी पॉइंट वही है, मेयर ने उसी को बोला था, आप लोगों ने गलत समझ गया सेल्फी पॉइंट। अब वहां जाके आप वहां सेल्फी लेते रहिए, पूरे जनता अपना पानी, जनता भी क्या, जितने भी लोग गुजरने वाले हैं वो पानी में खड़ा होकर सेल्फी लेकर के फेसबुक डाल रहे हैं, तो सेल्फी वही हो गया, गलत थोड़ी बोली है मेयर, मेयर सही बोल रही है, आपको समझने में दिखाई बढ़िया था। बिल्कुल, बता दे कि आपको हमारे साथ ये थे अमरिंदर सिंह, समाज सेवी, जो कि काफी नगर निगम प्रशासन से काफी क्षुब्ध और हैं, और इन्होंने बहुत ही खड़ी खड़ी बातें भी बताई, हालांकि जो भी बातें इन्होंने की वो काफी तार्किक और सत्य है। अब देखना ये होगा कि आने वाले बरसात के समय शहर की स्थिति कैसी होती है।